अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन माई चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बुक्स के बारे में। जैसा कि कुछ कमेंट आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट के कि मैम अभी क्या है, हमें कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ, जिन जिन स्टूडेंट ने अभी न्यू एडमिशन लिया है ऑप्टोमेट्री में, तो वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सी बुक परचेज़ करें, कौन सी बेस्ट बुक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए और कौन सी बुक अच्छी हैं, ठीक है, जिनकी लैंग्वेज भी इजी है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यह मैं आपको दिखा दूं, जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारी मॉडर्न सिस्टम ऑफ ऑफ्थैल्मोलॉजी की है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई। ये क्या है, जो इसके इसके राइटर जो हैं वो ए.के. खुराना और इंदु खुराना हैं। ये थर्ड एडिशन की बुक है आपकी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, आई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये जो बुक्स है इसमें सारा कुछ दे रखा है आई एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के बारे में, बहुत ही डीपली और अच्छे से दे रखा है। तो मैं आपको, अगर आपने न्यू एडमिशन लिया, आप ऑप्टोमेट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप ये वाली बुक परचेज़ कीजिएगा, काफ़ी अच्छी और एक्सप्लेन जो किया है, लैंग्वेज भी काफ़ी इजी है और अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद में जो दूसरी बुक है वो है हमारी, वो भी मॉडर्न सिस्टम ऑफ ऑफ्थैल्मोलॉजी, ए.के. खुराना, इसके भी ए.के. खुराना राइटर हैं। ये क्या है, हमारी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है, टोटल रिफ्रैक्शन के बारे में होगा, आपकी ऑप्टिक्स होगी, लेंस, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में दिया हुआ है। ये बुक बहुत बेस्ट है, इसमें सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा काफ़ी। ये देखो मैंने ये लगा रखे हैं, ये का सारे चैप्टर वगैरह दे रखे हैं, ये कौन सा चैप्टर है, काफ़ी इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है। तो जो बुक मैं आपको बता रही हूँ आप परचेज़ कीजिएगा, ईजी लैंग्वेज और इसमें क्लियर और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद ये तो हमारी हो गई एनाटॉमी, ये हो गई हमारी ऑप्टिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपकी जो बुक है ये सिक्स एडिशन की कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ्थैल्मोलॉजी की बुक है, ए.के. खुराना। इसमें क्या है, इसमें टोटल सब कुछ इंक्लूड है आपका, डिजीज़ ऑफ आई, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई। तो ये बुक बहुत अच्छी है और मैंने अपने जो भी, मैं इसी से ही स्टडी करती हूँ और इसी से शुरू से मैंने इससे स्टडी की है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ये बुक परचेज़ कीजिएगा। बाकी जो आपका फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ने को मिलेगी, वो आप फर्स्ट ईयर में जो आपका होगा वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस बुक्स के साथ एक रिव्यू मिलता है, ये आप देख रहे हैं, ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ्थैल्मोलॉजी सिक्स वाई ई रिव्यू ऑफ ऑफ्थैल्मोलॉजी ए.के. खुराना। इस रिव्यू में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दे रखे हैं काफ़ी, जो क्या है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो उसमें सारे एमसीक्यूज़ पहले कुछ पॉइंट वाइज थ्योरी दे रखी है जैसे कि ये, उसके बाद क्या दे रखा है, इसमें सारे एमसीक्यूज़ दे रखे हैं सब चैप्टर के अलग अलग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेटना, पहले रेटना का चैप्टर होगा, उसके कुछ मेन पॉइंट होंगे, फिर उसके बाद क्या है इसमें उसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो ये हो गया आपका रिव्यू। सो मैं आपको इतना ही बताना चाह रही थी, आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ नहीं हो, जो भी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो कन्फ्यूज़ नहीं हो, वो ये बुक परचेज़ कर सकते हैं, ये चारों बुक बहुत बेस्ट हैं। बाकी आपका जो है इंस्ट्रूमेंट का इसमें इंक्लूड हो गया, ऑप्टिक्स हो गई, एनाटॉमी आपका ये हो गया, ए.के. खुराना ये हो गया। मोस्टली कॉलेज में ए.के. खुराना से ही स्टडी की जाती है, ये बुक बहुत ही अच्छी है। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ ना होइएगा और ये बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, फिर आप पढ़िएगा। सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।